गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे शोर बहुत है तुम्हारा भाई, होटल से रेडी होके निकल गया है ना कर। अब जो है जा रहे हैं सीधा ज्यारत करने, ज्यारत करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, ठीक है। देखो ऐसा कुछ माहौल रहने वाला है यहाँ का, फुल मतलब वॉश पॉश रहने वाला है, ठीक है जी। बाइक वगैरह अलाउड है नहीं हमारी, इस वजह से हम यहाँ पे हमारा होटल ये रहने वाला है, ओयो ओयो होटल सिटी गोल्ड अजमेर, ये नाम रहने वाला है। बाकी ये गेट है, यहाँ से आप जो है एक तरह से एंट्रेंस कर जाते हो मस्जिद के लिए, ओ सॉरी दरगाह के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो है ना मार्केट स्टार्ट हो जाती है अजमेर शरीफ दरगाह की, पूरी मार्केट वाला रोड रहने वाला है। और क्राउड देख रहे हो कैसे भर भर के क्राउड है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ना यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस दरगाह है ये, ठीक है जी। देखो किस तरीके से लोग आ रखे हैं यहाँ पर। और भाई हम दोनों नहा धो के निकल रहे हैं, यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है कि मतलब जैकेट वैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने डबल पहन ली है। हाँ भाई अंदर क्या है वो पॉसिबल, तो बॉडी वॉर्मर पहना हुआ है तुम्हारे भाई ने, कुछ भी नहीं पहना था एकदम ओके, समझ रहे हो। वाला दरगाह का मेन गेट जी देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है रात में, जो बात है अलग ही लाइटनिंग हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दरगाह जो है ना मेन कुछ इस तरीके से दिखती है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो फटाफट से करते हैं एंट्री और करते हैं सलाम। तो एंट्री करने के बाद ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, शॉप्स वगैरह मिलेंगी, न्यास के लिए सामान भी मिलेगा आपको, चादर भी मिलेगी, तो जो आप चाहो वो लेके, मतलब आप अपनी अपनी वो होती है एक तरह से बोलूँ श्रद्धा होती है कि आपको अगर चादर चढ़ानी चादर चढ़ा सकते हो, बाकी फूल तो होती है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जो है ना मैंने न्यास के लिए सामान ले लिया है, चादर ले ली है माशाल्लाह से, काफ़ी बढ़िया चादर लग रही है जो बात है ये, ठीक है जी। बाकी अंदर चलेंगे, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, सो मतलब वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो लंगर के लिए ना एक जगह पैसे डाले जाते हैं, मतलब बड़ा वाला ना कड़ा बोलते हैं, मतलब उसमें ना मतलब बोलते हैं पैसे से डालो, फिर वो उसमें जितना भी मतलब डोनेशन आता ना एक तरह से, तो फिर बाद में उसका खाना बनता है, ठीक है, सब लंगर बनता है सबके लिए, ठीक है। दिखाता हूँ किस तरीके से होता है प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया मैंने आपको यहाँ कितने सारे पैसे डाले हुए, ठीक है, इन पैसों से खाना बनता है, बाकी सेम ऐसी प्रोसेस वहाँ पे होता है। ये देखो खाना बन रहा है ना उसमें, तो वो चीज़ है अच्छे से वॉश वॉश करके, मतलब जितना भी आता है उसके जो यहाँ से पैसा आएगा वहाँ पे लंगर बनता है उसमें, और फिर जितने भी यहाँ पे आ रखे हैं लोग सबको खाने को मिलता है, मतलब वो अपने ऊपर है कि आपको खाना है कि नहीं खाना, वो बात अलग है, बट प्रसाद के तौर पे मिलता है, ठीक है। ये कुछ नज़ारा ऐसे देखने को मिलेगा आपको, दिन में और रात में भीड़ रहेगी माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी रहता है यहाँ पर। बाकी ये है कि अंदर ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैं ज़्यादा कर भी नहीं रहा, क्यों बेकार में कोई डांट दे यार अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर रहा। सो अभी के लिए इतना ही है,
अब चलते हैं बाहर और कुछ खाते पीते हैं यार, ठीक है। कर ली कंप्लीट, सलाम कर लिया बढ़िया तरीके से। यहाँ पे पुन्ना भाई को चाहिए पिस्टल अपनी रील बनाने के लिए, तो पिस्टल देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल। 800 रुपए से स्टार्ट होने वाली है ये वाली। इसमें क्या होता क्या डालने में पड़ता है? ओ भाई तो टाइट है, प्रेशर कैसे बनेगा है? टाइट होगा तभी तो प्रेशर बनेगा। अच्छा जी, अच्छा। छर्रा वर्रा कितने का आता है इसका? 120 कितने छर्रे होते हैं इसमें? 120 में 50 रुपये, मतलब तो छर्रा भाई दिल्ली में मिलेगा है ना? दिल्ली में नहीं मिलेगा ना भाई? दिखाना कैसा होता है छर्रा। तो दोस्तों 850 रुपये भाई भारी भी है, तो 850 की है और 50 रुपये का छर्रा। लेकिन छर्रा दिल्ली में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं, देखते हैं कैसा ये है। अच्छा ये फूटता है, ये सिस्टम बेकार है ना, है ना? लगेगा फूटते ही। अच्छा ये आगे निकल रहा है क्या, फूट रहा क्या हो रहा है? चलो कहाँ है, कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया, लगता थोड़ी ना। अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ दिखा, ये पड़ा। अच्छा ऐसा कोई सिस्टम है। चलो भैया चलो, एक बार और चलो, हमारी तरफ मत चला दो यार भाई, डरा रहे हो। पिड़क पिड़क होते नीचे रहता है भाई। एक ये आया है माउजर वाला लाइटर, पुन्ना ये तुम्हारे काम का है फुल वास्तव। पुन्ना भाई ये लग रही चीज़ है, ओ भाई साहब लग रही हाथ में दोस्तों। अरे भाई ये दवा कर रहे हैं तो चलेगा लेटर है ना? हाँ ठीक है ठीक है। इसमें गैस रिफिल भी रहती हुई है, तो इसमें कुछ कम वम नहीं होंगे पैसे? ये फाइनल लगेगा 1550 रुपये बस।